वेलकम बैक माय हीरो एकेडमी फैंस। और आपको पता ही है कि उसका न्यू मूवी आने वाला है ऑन अगस्त 2nd। उसका नया ट्रेलर भी आ चुका है, उसका विलन भी बताया गया कि डार्क माइट होने वाला है। उसका नया सीजन भी आने वाला है, उसका भी ट्रेलर आ चुका है। तो बेसिकली हीरो एकेडमी फैंस आर ईटिंग अ गुड कंटेंट। तो मूवी का ट्रेलर लुक्स गुड, उसका एनिमेशन भी अच्छा लग रहा है, उसकी स्टोरी ओके हो सकती है, मतलब बिकॉज इट्स नॉट कैनन। हमें अच्छे से वो इंटरव्यूइंग रहनी तो चाहिए एटलीस्ट। तो उस हिसाब से मुझे लग रही है कि हमारा अटेंशन ये बिल्ड रखेगी हमेशा पूरे टाइम, मतलब पूरे रन टाइम। और ओवरऑल इसकी जो मूवी है उसका भी हाइप और इसका जो फील लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है। और ऊपर से ट्रेलर देख के लोग एक्साइटेड हो रहे और ये अच्छी बात है, बिकॉज दैट्स व्हाट ट्रेलर इज सपोज्ड टू डू। बात आते हैं अभी इसके रिलीज डेट के ऊपर। जैसे मैंने बोला ये मूवी रिलीज होने वाली इन जापान ऑन अगस्त 2nd। अभी तक इसका इंटरनेशनल रिलीज का मुझे पता नहीं कुछ रिलीज हुआ है क्या नहीं, क्योंकि मैंने चेक किया था तब तक तो नहीं आया था। अगर ये अगस्त में रिलीज हो रही है तो देन आई एक्सपेक्ट 6 months बाद या फिर 8 months बाद तो इंडिया में रिलीज हो जाए, मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी या फिर फरवरी तक इसको रिलीज डेट मिलनी ही चाहिए। क्योंकि ये जापान वाले अभी बहुत हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि हाइक्यू का तो अभी तक कुछ आता पता नहीं आया है। एटलीस्ट इसका तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको आईक्यू की जैसे ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड, बिकॉज लास्ट टाइम इसका रिलीज हुआ था इंडिया में और इसका रिलीज डेट भी जैसे लेट नहीं किया था, अनाउंस थोड़ा जल्दी ही किया था, बट देखते हैं इस बार क्या होता है। एज ऑफ नाउ वी कैन जस्ट होप दैट एवरीथिंग गो स्मूथली एंड जस्ट ज्यादा डिले ना हो जाए और हमें बस सबसे अच्छे खासे टाइम फ्रेम में ये देखने मिल जाए। और विद दैट लेट्स रैप इट अप। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा तो जरूर कमेंट में पूछ लेना, अगर मैं कवर कर सका तो मैं आपको जरूर कवर करके अगली वीडियो में बता ही दूंगा आपके जो क्वेश्चंस हो गए एक्सेट्रा वो। अरिगातो। Thank you.